हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के पहले अध्याय को। चाणक्य नीति पहला अध्याय, नंबर 1। मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर श्री विष्णु भगवान को शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से निकाले गए राजनीति सार के तत्वों को जन कल्याण हेतु समाज के सम्मुख रखता हूं। नंबर 2। जो व्यक्ति इस राजनीति शास्त्र के सूत्रों का विधि पूर्वक अध्ययन और ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। नंबर 3। इसीलिए अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना के लिए राजनीति के उस शास्त्र को कहूंगा जिसके जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ, सब कुछ जान लेने वाला हो जाता है। नंबर 4। दुष्ट स्वभाव वाली दुराचारिणी स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला बदमाश नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। नंबर 5। मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने से, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री के पालन पोषण करने से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान तथा भले व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। नंबर 6। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए, उसे धन संपदा त्याग कर भी स्त्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि वो अपनी सुरक्षा करें। नंबर 7। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, लक्ष्मी तो चंचल है और संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। नंबर 8। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात कोई मित्र या परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए, वहां कभी नहीं रहना चाहिए। नंबर 9। जहां श्रोतीय अर्थात जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक धनवान व्यक्ति, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक, इन पांचों का अभाव हो वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। नंबर 10। जहां लोक यात्रा अर्थात जीविका को चलाने के लिए कोई साधन ना हो, किसी बात का भय ना हो, लोक लज्जा ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति ना हो और लोगों में उदारता की भावना ना हो, ये पांचों ना हो वहां व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। नंबर 11। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। भाई बंधु रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और पत्नी की परीक्षा तब करें जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो। नंबर 12। किसी बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और मशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। नंबर 13। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वस्तु का त्याग करके
अनिश्चित की चिंता करता है उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। नंबर 14, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। नंबर 15, लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, विशाल नदियों, बड़े बड़े नाखून और सींग वाले पशुओं, शस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों, दुष्ट स्त्रियों और राज परिवार के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 16, विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तु में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच या दुष्ट मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण हो तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्ना को ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 17, पुरुषों की अपेक्षा में स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दो गुना होता है, बुद्धि चौगुनी, सहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। तो ये था चाणक्य नीति का पहला अध्याय, चाणक्य नीति के पहले अध्याय की सीख। हम जानते हैं कि यह भारतीय परंपरा भी रही है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले प्रभु का स्मरण किया जाए, ताकि वह कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलता पूर्वक संपन्न हो। आचार्य चाणक्य जी ने भी सर्वप्रथम यही किया। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। उन्होंने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर या सुनकर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। कुछ जरूरी नोट, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं, या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।